अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को दिल्ली आने से केंद्र सरकार ने रोका। गहलोत बघेल का दावा, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड करने की नहीं मिली अनुमति। गृह मंत्रालय ने आरोपों को बताया गलत, गहलोत ने कर दिया पलटवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज G20 में आए मेहमानों के लिए डिनर होस्ट किया, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान भी विवाद हो गया। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम इससे दूर रहे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी डिनर में शामिल होने से इनकार कर दिया। इनकार नहीं किया बल्कि ये कहा है कि उन्हें आने ही नहीं दिया गया। न्योता तो दिया गया था लेकिन आने के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली और उसके आसपास हवाई प्रतिबंधों के कारण उनके विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। सरकार ने नो फ्लाइंग जोन बना दिया है इसलिए वो दिल्ली नहीं जा पाएंगे। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया कि गृह मंत्रालय ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी है इसलिए वो G20 डिनर प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। कहा कि बुलाया तो गया लेकिन आने नहीं दिया गया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इन आरोपों को खंडन कर दिया। गृह मंत्रालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर सफाई देते हुए बताया, फ्लाइट परमिशन के लिए हमें 4 रिक्वेस्ट मिले थे, हमने सभी अप्रूव कर दिए थे। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है लेकिन मुख्यमंत्री के विमान जिसमें वो खुद सफर कर रहे हैं उसे दिल्ली आने की इजाजत दी गई है। सिर्फ कमर्शियल उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर वो अपने विमान से आते हैं तो उनके विमान को तुरंत इजाजत दी जाएगी। प्राइवेट चार्टर्ड विमान के लिए गृह मंत्रालय से विशेष अनुमति लेनी होगी और अगर इस तरह की अनुमति मांगी जाती है तो वो भी दी जाएगी, लेकिन इस तरह से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। गृह मंत्रालय ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार के दावे को गलत बताया तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उल्टा सवाल कर दिया। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, कल मेरा उदयपुर से जयपुर प्लेन से और जयपुर से सीकर और सीकर से निवाई हेलीकॉप्टर से जाने का कार्यक्रम था। इसके लिए हेलीकॉप्टर को एडवांस में उदयपुर से जयपुर पहुंचना था परंतु ऐसा बताया कि G20 के प्रोटोकॉल के कारण हेलीकॉप्टर या प्लेन तभी यात्रा कर सकते हैं जब सीएम स्वयं उसमें सवार हों। हेलीकॉप्टर की उड़ान की अनुमति सुबह 10:48 पर ईमेल कर मांगी गई परंतु दोपहर 2:30 तक अनुमति नहीं मिली। वहां इंतजार कर रही जनता को जानकारी देने के लिए दोपहर 2:52 पर ट्वीट कर ना आ पाने का कारण बताया और सांगलिया पीठ में श्री ओम दास महाराज जी को भी फोन पर जानकारी दी। इसके बाद दोपहर 3:58 पर अनुमति आई परंतु तब तक मैं उदयपुर से जयपुर के लिए प्लेन से निकल चुका था और जयपुर पहुंचकर सड़क मार्ग से निभाई गया। G20 के नाम पर मुझे कोई विवाद पैदा नहीं करना था इसलिए इसकी कोई निंदा नहीं की और केवल जनता को तथ्यों की जानकारी दी थी, परंतु मुझे अब दुख है कि गृह मंत्रालय ने गलत तथ्यों की जानकारी देकर जनता में भ्रम फैलाने का असफल प्रयास किया है। वैसे अशोक गहलोत ने गृह मंत्रालय के उस दावे को तो सही करार दिया है जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर विमान में सीएम है तो उसे आने की अनुमति दी गई है, लेकिन गहलोत के उस विमान को उड़ान की अनुमति नहीं दी गई थी जिसमें वो नहीं बैठे थे। और छत्तीसगढ़ के सीएम के मामले में तो स्थिति अलग ही थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कोई हवाई प्रतिबंध भी नहीं था। अगर छत्तीसगढ़ में दूसरे जगह से सीएम को विमान मंगाना भी था तो भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। वैसे कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के डिनर का बहिष्कार किया जा सकता है, इसके संकेत तो 2 दिन से ही मिल रहे थे। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया गया था जिस कारण से कांग्रेस में नाराजगी दिखाई दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नौ दर्पण न्यूज़।